नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 22 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकार से मंजूरी का इंतजार, जल्द होगी FIR, SIT कर रही है HPSSC की परीक्षाओं की जांच। कर्मचारी चयन आयोग के पेपलिक मामले में विजिलेंस जल्द ही और FIR दर्ज करेगी। विजिलेंस की SIT अभी कई पोस्ट कोड की परीक्षाओं की जांच कर रही है। JYT पेपलिक मामले में विजिलेंस 3 पोस्ट कोड की परीक्षाओं में सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते विजिलेंस JYT 817 JEE और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पोस्ट में FIR दर्ज करेगी। विजिलेंस ने इन तीनों पोस्ट कोड में FIR दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है। सरकार से इन पोस्ट में FIR दर्ज करने की अनुमति मिलेगी तो विजिलेंस तीनों परीक्षाओं में FIR दर्ज करेगी। पेपलिक मामले में अधिकतर पोस्ट कोड की जांच से आयोग के सचिव के तार जोड़ रही है। विजिलेंस द्वारा अब तक दर्ज की गई कुछ एक FIR में आयोग के सचिव का नाम भी शामिल किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, शिक्षकों के 5,970 पद भरेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के 5,970 पद भरेगी। वे जोबल उपमंडल की मंडोर पंचायत में 2 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंडोर पंचायत में 40 लाख रुपए से निर्मित लोक भवन तथा 24 लाख से पंचायत भवन कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को सेब उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल कार्टन को वास्तविकता बनाने के लिए सक्रिय नीतियों के लिए धन्यवाद किया। SPU शिमला BEd की प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 17,000 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। BEd की प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 17,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। BEd की 8,000 से अधिक सीटों के लिए 17,000 आवेदन आने से BEd कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की काफी स्पर्धा देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया जारी और उम्मीदवार 1 जून तक BEd की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय SPU शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय SPU मंडी के अधीन BEd कॉलेजों में दाखिले की प्रवेश परीक्षा अब 18 जून को होगी। एडमिट कार्ड जारी करने की टेंटेटिव तिथि 12 जून है और इसके बाद 18 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा BEd की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करने की टेंटेटिव तिथि 27 जून रखी गई है। इसके बाद 6 जुलाई को मेरिट सूची जारी की जाएगी। विकास कार्यों में गड़बड़ी का आरोप, BDO ने प्रधान उप प्रधान सेक्रेटरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला करवाया दर्ज। विकास खंड गगरेट की एक पंचायत में वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2015 के बीच पंचायत के माध्यम से हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खंड विकास अधिकारी की मार्फत पुलिस को मिली शिकायत पर तत्काल प्रधान उप प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन व आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज हुआ है। इसी पंचायत के विरुद्ध इससे पहले भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन उस मामले में पुलिस ने CR रिपोर्ट बना दी थी। इसके बाद गांव के एक शिकायतकर्ता ने मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में उठाया और उसके बाद सक्रिय हुए प्रशासनिक कामले ने अब खान विकास अधिकारी के माध्यम से फिर से मामला दर्ज करवाया है। गला घोंट कर की थी साधु की हत्या, भराड़ी पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा आरोपी, पूछताछ में कबूला जुर्म। पुलिस थाना भराड़ी के तहत पटेर ग्राम पंचायत क्षेत्र में गत 18 मई को साधु की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 30 वर्षीय युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। कुलदीप राठौर बोले, भाजपा सरकार के 9 साल में देश का हुआ बुरा हाल। केंद्र में मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश भाजपा 9 वर्ष को बेमिसाल बताते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने तीखा निशाना साधा है। इसी कड़ी में रविवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 9 वर्षों में देश का बुरा हाल हुआ है। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सीमाओं पर तनाव बढ़ा है, आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ रही है, नोटबंदी जैसे निर्णयों से आर्थिक हालात जर्जर हुए और अब 2000 के नोट को लेकर जो फैसला लिया गया है
सड़कों से साबित हो गया कि नोटबंदी मोदी सरकार का गलत फैसला था। पांगी स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के लिए दिल्ली से पहुंची टीम, अधिकारियों में हड़कंप। पांगी के एक स्कूल में विधायक के निरीक्षण के वायरल वीडियो ने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली से एक टीम जांच के लिए शिमला पहुंच गई है। टीम ने शिक्षा विभाग के पांगी और चंबा के अधिकारियों को शिमला बुलाया है। इनसे स्कूल का रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा है। मामला उजागर होने के बाद अध्यापकों और विभागों के अधिकारियों में हड़कंप है। हालांकि मामले की जांच के लिए आवासीय आयुक्त पांगी ने पहले ही शिक्षा विभाग को आदेश दे दिए थे। हाल ही में भरमौर पांगी के विधायक डॉक्टर जनकराज पांगी घाटी में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने पांगी के स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। जब राजकीय प्राथमिक पाठशाला करियास का औचक निरीक्षण किया तो बच्चे अपने देश का इनाम नहीं बता पाए। इससे तलक विधायक ने पहले शिक्षक की क्लास लगाई, फिर पांगी प्रशासन ने मामले की जांच करने के लिए कहा। बच्चों के साथ विधायक के संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जांच के लिए दिल्ली से टीम आई है। शिक्षा निदेशक ने पांगी बीआरसी और खान प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से स्कूल का रिकॉर्ड लेकर 25 मई को शिमला बुलाया है। शिमला जाने से पहले 23 मई को निदेशक के साथ शिक्षा खंड पांगी के 12 क्लस्टर और बीआरसी की वर्चुअल बैठक होगी। कर्नाटक में सीएम सुक्कू से मिले एनपीएस कर्मचारी, हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए जताया आभार। नई सरकार के शपथ ग्रहण में कर्नाटक पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुलाकात की और हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। एनपीएस एसोसिएशन कर्नाटक ने कहा कि हिमाचल से हुई ओल्ड पेंशन की शुरुआत बाकी राज्यों में भी पहुंचेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष शांताराम मतेजा ने अपने साथियों सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कर्नाटक में भी ओल्ड पेंशन को लागू करवाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। क्यूआर कोड स्कैन कर मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचने को शुरू हुई नई पहल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने रविवार को माई सीएम माई प्राइड पहल का शुभारंभ किया है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ खींची गई अपनी फोटो डाउनलोड कर सकेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के उपरांत इस अनूठी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस इंटरैक्टिव फीचर के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माई सीएम माई प्राइड का शुभारंभ राज्य सरकार की तकनीकी प्रगति को अपनाने और प्रदेशवासियों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने उत्तराखंड में भांग के खेतों में जाकर जानी खेतों की व्यावहारिकता। औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से गठित समिति ने रविवार को उत्तराखंड के डोईवाला में भांग की खेती करने वाली फार्म के खेतों में जाकर भांग की खेती की व्यावहारिकता को जाना। समिति के अध्यक्ष राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सदस्य विधायक और अधिकारी इस दौरे में शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने डोईवाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की जा रही भांग की खेती का अवलोकन किया। उन्होंने उगाई जा रही भांग की किस्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन और लागत, भांग के उत्पादों का विपणन और अन्य जानकारियां भी ली। फार्म के प्रतिनिधियों ने दल के सदस्यों को तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया। समिति के सदस्यों ने सरकार और आम लोगों को होने वाले लाभ के बारे में चर्चा की। इसके लिए कानूनी प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। भांग की खेती को शुरू करने के लिए सरकार को होने वाली आय और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। नेगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में अग्रसर है। तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जल समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अदालत में अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी मुजरिमों की पेशी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जेलों की दुर्दशा के मामले में निचली अदालतों को आदेश दिए कि विचाराधीन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। अदालत ने प्रदेश की निचली सभी अदालतों को आदेश दिए कि वे मुजरिमों की निजी तौर पर हाजिरी दर्ज करवाने के लिए वाद्य आदेश पारित न करें। इसके अलावा अदालत ने नालागढ़ के किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज का काम पूरा करने के आदेश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक तलब की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मोहब्बत की बात, तुष्टिकरण की राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरी उम्र नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मोहब्बत की बात करना तुष्टिकरण की राजनीति जैसा है। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद करने वाले अब नए पैंतरे अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस जनता के बीच कोई बड़ी बात लेकर नहीं जा पा रही है। वे रविवार को ऊना में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव तुष्टिकरण की राजनीति की है। देश पर सार से 65 वर्षों तक राज करने के बाद भी वे आज रेवड़ी की बात करते हैं। 2019 के आम चुनावों से पहले भी कांग्रेस कुछ राज्यों में जीती थी, लेकिन 2019 के नतीजे सबके सामने हैं। राजीव बिंदल बोले, पीरियड खत्म, अपनी गारंटियां संभाले कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से गारंटी पूरी करने का पीरियड खत्म हो चुका है। आम जनता को धोखा देकर कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो गई है, लेकिन अब जनता सब समझ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। वे रविवार को ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमा देने का वायदा कर मात्र 15,000 महिलाओं को ये राशि दी गई है। ऐसे में गारंटी कैसे पूरी हुई है? 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देने का वायदा किया, लेकिन उल्टा रोजगार वापस हो रहा है। झूठी गारंटियों के दम पर कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता को गुमराह किया। वेदर अपडेट, अधिकतम पारा 40 डिग्री पार, मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान चढ़ने से ऊना और जिला बिलासपुर के बरेठी का अधिकतम पारा 40 डिग्री पार हो गया है। मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटना शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के 15 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। मंगलवार से पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 से 25 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से रात के समय भी गर्मी सता रही है। पहाड़ी क्षेत्र भी अब गर्मी से तपना शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अब सुबह और शाम के समय भी मौसम में ठंडक नहीं है। सोमवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राजीव बिंदल बोले, बागियों को पार्टी में वापस लेने की चर्चा होने का सवाल ही नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनावों में हुई हार के लिए जिनका अहम रोल रहा है, ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में वापस लेने की चर्चा होने का सवाल नहीं है। ऊना में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में हार और फिर शिमला नगर निगम की हार को पूर्व के 2 चुनावों से जोड़ा नहीं जा सकता है। शिमला में नगर निगम का चुनाव एक छोटे क्षेत्र का चुनाव था। 30-40 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता वहां रही है। केवल 2017 में भाजपा कॉरपोरेशन चुनाव जीती और कांग्रेस की उस समय प्रदेश के अंदर सरकार थी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वर्तमान सुक्कू सरकार का अब तक का कार्यकाल आपको अब तक कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।